यही कहना चाहता हूँ कि राज राजपूत जी जो हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। इनक्रेडिबल इंडिया हमारी ये फिल्म है जो रिलीज़ होने जा रही है बहुत जल्दी, और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, पहले वो मैं बता दूं, क्योंकि आज राज राजपूत जी की वाइफ रेणुका राजपूत जी का जन्मदिन है जिसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और हमारी बेस्ट विशेज हैं, शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस फिल्म का जो 25% जो इसका प्रॉफिट है वो देश के जवानों को दिया जाएगा, देश की सेना को दिया जाएगा और देश के किसानों को दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ इस फिल्म का पार्ट होकर। राज राजपूत जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से उन्होंने, अभी ये उनकी चौथी या पांचवी फिल्म है और ये माशाल्लाह एक के बाद एक अभी दूसरी फिल्म ये बनाते जाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेज ऑलवेज राज जी के साथ हैं और रेणुका जी के साथ। और जी पूछिए, जी जी पूछिए पूछिए। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, अभी आज क्या है, हमारी मैम का जन्मदिन है, हम सब उसी के सब लोग शामिल हुए हैं जन्मदिन में, और हमारी इनक्रेडिबल इंडिया की जो सूट है वो पूरा शायद कंप्लीट हो चुका है, जल्द से जल्द सबके सामने आ जाएगा। और आज हम सब मैम का जन्मदिन के लिए सब सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग सब शामिल हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं राज जी के डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, उनके इनक्रेडिबल इंडिया नाम की मूवी में काम कर रही हूँ। इसलिए प्राउड फील कर रही हूँ कि उनके विचार जो आज मैंने सुने, उनके विचार गुरुकुल के, सही में आज के जो बच्चे हैं ना ही उनका संस्कार अच्छा है, ना ही ऐसा नहीं, मैं नहीं कहती कि वो बुरे हैं, पर संस्कार के मामले में जो राज्य का देखा है मैंने, जो गुरुकुल से पढ़ के आए हैं, रियली रियली इट इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड दूसरी बात, इस मूवी का हिस्सा होकर मैं प्राउड इसलिए फील कर रही हूँ कि ये मूवी देश के बारे में सोच रही है। इसका 25% जो है पुलवामा हमले के सैनिक जो है मारे गए हैं उनको जाएगा, और कंट्री के जो किसान जिन्होंने आत्महत्या की थी उनके लिए जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है। तो रियली बहुत अच्छे विचार हैं सर के, थैंक्स। मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, राज जी के बारे में स्पेशली, कि राज जी ने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, और इनकी एक खासियत है कि ये देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि ये देशभक्ति की फिल्में बनाएंगे। जैसे मनोज कुमार साहब थे, भारत कुमार, उनका एक स्टाइल था, ऐसा ही स्टाइल हमारे राज जी का भी है जो देशभक्ति की फिल्में बनाएंगे। और बहुत ही मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। हमारे सब की, हम सब लोगों की दुआएं हैं, हम सब लोगों की हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, और इस ये राज जी ये काम अकेले नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर रेणुका जी इनके साथ नहीं होती तो सबसे बड़ा साथ जो है इनकी वाइफ का है, रेणुका भाभी का, जिन्होंने इनको इंस्पायर किया। वो कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है, राज जी के पीछे रेणुका राजपूत जी का हाथ है, और इनका साथ इनका प्यार इसी तरह बने रहे, ऐसे हम रब से दुआ करते हैं। साउथ अफ्रीका से भी एक हाथ आया हुआ है क्या? हाँ, ये साउथ अफ्रीका की हीरोइन है, कहिए कुछ। यस, पर मैं जूनियर हूँ, सो आई थिंक सर नहीं, अपने बारे में बताइए आप कैसे फिल्म चल रही है। Myself Edivich from Ethiopia, Africa. So I am here to wish Rinka ma'am happy birthday. Unka aur mera relation bahut acha hai. She's just as a friend for me. She's our producer and she's like, connection is very nice with them. So I'm so thankful to work with them. That's it. I'm so blessed to sit. और एडी के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी हिंदी जानती हैं और ये बहुत अच्छा डांस जानती हैं।
ही खुशी का दिन है क्योंकि मेरे रेणुका जी का बर्थडे है और वो मुझे गुरु का दर्जा देती हैं और बाप का भी दर्जा देती हैं और जो राज जी हैं वो भी मुझे इसी तरह से समझते हैं कि मैं आपको हम जो है बाप भी समझते हैं गुरु भी समझते हैं तो मेरे दोनों बच्चे ही हैं और जिस तरह से पूजा ये प्रोग्रेस कर रहे हैं जिस तरह से ये फिल्म बना रहे हैं हर साल में एक फिल्म इनकी आ रही है ये भी खुशी का विषय है और जितनी ज़्यादा फिल्में बनेंगी उतनी ही हमारी फिल्म लाइन प्रॉस्परस होगी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल बिल्कुल सही हम लोग खुश होते हैं हम तो कलाकार लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर आए और फिल्म बनाएं तो ये तो बच्चे हमारे हैं तो ये फिल्म बना रहे हैं और फिल्मी लाइन से हटके लीक से हटके ये फिल्म जो इनक्रेडिबल इंडिया है जो बोर्ड लगा हुआ है ये रूटीन वर्क में फिल्म नहीं है एकदम अलग फिल्म है अलग हटकर फिल्म तो इसलिए इस फिल्म में पब्लिक को कुछ नया देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से फिल्म में बहुत मेहनत की गई है डायरेक्शन बहुत अच्छा है प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और रेणुका मैम में खास बात यह है कि वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती है केवल यह आवाज़ करती है कि हाँ सब काम ठीक हो रहा है अदरवाइज प्रोड्यूसर लोग काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो उनकी आदत नहीं है इसीलिए फिल्म बहुत अच्छी बन गई है बिल्कुल कतई इनकी डिस्टर्बेंस नहीं है इन्वॉल्वमेंट वो जो चल रहा है वो चलने दो बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से गाने बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे गाने गाना पिक्चराइज किया है राजी ने मुश्किल से एक महीना हुआ होगा मतलब लेविशली गाना किया है पिक्चराइज बहुत पैसा खर्च किया उसने जबकि इस पिक्चर में ऑलरेडी ओवर बजट है ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया है लेकिन डायरेक्टर राजी इतने डेयरिंग बाज आदमी इतनी डेयरिंग है कि उन्होंने कुछ भी करके रिशूट किया गाने को और गाने को अच्छा बनाया और वो गाना इस पिक्चर की बहुत बड़ी बात है इसलिए एक बोर्ड के गुरुकुल का एक योग है उन्होंने योग ले रखा है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं किसी की मन्नत होती है वो फोटो खिंचाना ही नहीं चाहते हैं अक्सर प्रोड्यूसर यहाँ पर लड़की तो वही खिंचाते हैं जिनके अंदर जिगरा हो देखिए क्या है अक्सर यहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर जो बनने आते हैं इसलिए आते हैं हमारे फोटो खिंचाएंगे पब्लिसिटी होगी लोग हमको पहचानेंगे पर यह उल्टा है यहाँ डायरेक्टर चाहता है अपना फोटो न प्रोड्यूसर चाहती है तो ये अच्छी बात है उनकी एक मन्नत है बिल्कुल 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 गुरुकुल का उनका एक आदेश है तो इसमें हम लोग खुश हैं कि भाई उनको यानी कि इतनी फिल्म बनाने के बाद में राज जी कौन है और रेणुका जी कौन है किसी को मालूम नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ये बिहाइंड द कैमरा रह के सब कुछ है तो मेरी तरफ से रेणुका बिटिया को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और चूंकि राज जी की वो सपोर्टर है राज जी की अर्धांगिनी है तो ये पूरा जो माहौल है ये पूरा जो क्रिएट किया गया जिस तरह से आप बर्थडे मनाने का ये इसका श्रेय जो है राज जी की पूरी टीम को जाता है इनक्रेडिबल इंडिया की टीम को जाता है बहुत बहुत मुबारक थैंक यू वेरी मच नमस्कार First of all, I got casting with Vinay sir directly. So he took me for auditions here. Then I given auditions for Raj sir. Then he said to me, okay, you are selected for this. So I have a good experience to work with them. Definitely, I can't say I'm specialist for that. I have a good experience. फिल्म एक्टर और मैं आज के इस मुबारक दिन पर रेणुका जी को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं जो के प्रोड्यूसर हैं इनक्रेडिबल इंडिया बहुत ही कमाल की जो फिल्म बनी है उनकी प्रोड्यूसर हैं और राज राजपूत जी जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं भाई हैं उनकी वाइफ हैं सो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जैसा कि दिवाली का अवसर है दिवाली का फेस्टिवल है आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दिवाली के दिन इनका जन्मदिन है मतलब कि लक्ष्मी तो डेफिनेटली है ही है घर में और प्रोड्यूसर हैं तो डबल लक्ष्मी है तो बहुत बहुत मुबारक है मैं इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये हमेशा खुश रहें इसी तरह हंसते खेलते रहें और आप सबका प्यार इन्हें मिलता रहे थैंक यू एनिवर्सरी देखिए
30 साल इन्होंने एक साथ गुजारे हैं, फिल्म एक्टर अली खान और शुरा अली खान ने, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ वहीं होता है जहां ये खूबसूरत नज़ारा जहां देखने मिलता है, उस देश का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है, बाकी के देशों में तो साल दो साल में साहब आपका पता नहीं चलता कि कहां जा रहे हैं। तो 33 साल एक साथ गुजारे, बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। और ये प्यार और ये जो अपनापन है, कहीं ना कहीं इसमें आपकी दुआएँ शामिल है और कई सारी गुड विशेस आए बहुत सारी, और उनके लिए आप उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और पापा की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। सबसे पहले तो मैं विजय सिंह पटेल, और आज जो है हमारे भाभी स्वरूप रेणुका सिंह राजपूत मैम जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। मैं उनको तहे दिल से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाइयां देते हुए यह कहना चाहता हूं कि गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, रेणुका मैम की तब तक जिंदगानी रहे। और साथ ही साथ आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और यह कहना चाहता हूँ कि ये रेणुका मैम जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, और उनके पति जी राज सिंह राजपूत जी हमारे बड़े भाई स्वरूप इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। तो मैं दोनों लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हम सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर उठाकर ले आए, यहाँ तक पहुँचाए, बहुत अहम भूमिका है उनकी। पटेल जी, अपने ड्रेस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कहाँ से सिलवाया, विशेष? सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारे ड्रेस में अगर कोई खुदी आपको नजर आती है, यह ड्रेस आज हम और हमारा यह ड्रेस अगर यहाँ पर आज उपस्थित है तो ये राज सर और रेणुका मैम की देन है जी। और आप सबको बताना चाहते हैं कि यह मूवी इनक्रेडिबल इंडिया में हम जो है हीरो का किरदार कर रहे हैं, जिन्होंने राजराज को सिंह और रेणुका मैम ने हमको यह प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छी जो है जगह दी, तो इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, और सभी भारत के नागरिकों को धन्यवाद। पहले तो मैं जितने यहाँ पे मीडिया बंधु आए उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और मैं एक्टर रामचरण पटेल, और मैं रेणुका मैम को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, और यहाँ पे जितने भी लोग आए उनको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया मूवी अभी जो कि बहुत जल्दी सिनेमाघरों में आएगी, तो चश्मा नहीं उतारेंगे, बहुत जल्दी ये हमारी मूवी जो कि सिनेमाघरों में आएगी। और बता देना चाहता हूँ कि इसकी RR बैनर की जो मेन खासियत 25% जो कोई बैनर नहीं देता है वो हमारे डायरेक्टर राज सिंह राजपूत देते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं इनक्रेडिबल मूवी की और जितने भी 84 कलाकार हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत कड़ी मेहनत की है इसके लिए, तो आप जरूर जाएं थिएटर में देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इनक्रेडिबल इंडिया में जो मेरा कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, लाइक कपल है, और तो आप लोग जरूर देखिए। मीडिया के सामने अच्छे अच्छों का पसीना छूट गया। मैं रेणुका मैम को बर्थडे विश करना चाहती हूँ। माय नेम इज पूजा, और मैं सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ, राज सर को, बहुत अच्छे इंसान है वो।
मैं फर्स्ट टाइम मिली उनसे, पर ऐसा लग रहा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम मिली. शुभकामनाएं इनक्रेडिबल इंडिया को. शुभकामनाएं इनक्रेडिबल इंडिया को. हाय, मेरा नाम शशांक है और मैं इसमें एज अ क्रिएटिव असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ. और बहुत ही खुशी का मौका है और सब इनक्रेडिबल टीम की जो फैमिली है एकत्रित हुई है यहाँ पर. तो सबसे पहले मैं रेणुका मैम जी को बहुत ढेरों बधाई देना चाहूँगा और उनका जो जन्मदिन के अवसर पर ये फैमिली एकत्रित हुई है. और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो इसके मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर विनय कुमार सर हैं, जिन्होंने जिनकी वजह से इस फैमिली से जुड़ पाया मैं. और बहुत एक अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा एक ताना बाना बुन करके जो राज सर हैं, राज सिंह राजपूत जी जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं और रेणुका मैम भी, ये जो एक फैमिली लेकर चल बहुत ही खुशी की बात है. और मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसे ही ये फैमिली यूँ ही बढ़ती जाए और ऊपर ऊँचाइयों तक ऊँचे कदम रखे हुए. और मैम के लिए एक दो लाइनें गाना चाहूँगा. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये सबकी है आरज़ू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मुबारकबाद देती हूँ उन्हें सब. अर्चना मिश्रा. अर्चना मिश्रा. अर्चना मिश्रा. अर्चना जी, आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं रेणुका मैम का जन्मदिन? क्या धमाल होने वाला है? केक काटेंगे, धमाल करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे? सही है गुरु जी. सब लोग एंजॉय करेंगे. प्रोड्यूसर का बर्थडे भाई, नेचुरली गुरुजी. हाँ, प्रोड्यूसर का बर्थडे एंजॉयमेंट तो होना ही होना है. खाने पीने का फर्स्ट क्लास इंतजाम है. अभी नीचे होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे सब लोग, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे. यस, थैंक यू. हाँ.